गुरु से सीखा क्या तुमने कि तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आ सकता, तुम तो टुकड़ों में बटे हुए लोग हो, तुमने अपने गुरु से संगठित होने का मंत्र सीखा ही नहीं, तुम अपने गुरु के सबसे निकम्मे और नालायक चेले हो। मान्यवर साहब कासीराम जी के चेले, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मन से करता है, सच्चे मन से करता है, किसी उद्देश्य को लेकर करता है और उसकी उद्देश्य का कोई अंश उसको प्राप्त होता है या कंप्लीट उद्देश्य प्राप्त होता है, तो उसके साथ लगने वाले जो उसके चेले होते हैं, वो चेले सारे सारे जो अपने गुरु से सीखते हैं, गुरु के जाने के बाद ऐसा ही बिल्कुल पेस्ट कॉपी करते हैं, यानी कॉपी और पेस्ट करके उसको जीवन में उतारते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साहब मान्यवर कासीराम जी के जो चेले हैं वो भी सब लगभग एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं समाज के अंदर, क्योंकि जहां जहां भी मान्यवर साहब कासीराम जी गए, जहां जहां लोगों ने उनकी सहायता की, मदद की, संगठन बनाया, संगठन में काम सीखा, उनके जाने के बाद सभी को ये उम्मीद हो गई कि जैसा मान्यवर साहब कासीराम ने हमको सिखाया और हम करते थे और हमने देखा है, सीखा है, वही अगर हम दोबारा करेंगे तो भविष्य में हम उनकी तरह मुख्यमंत्री बना सकते हैं या बन सकते हैं, कुछ अंश हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ हद तक सही सा लगता है, मगर बड़ी हद तक ये एक खराब सा तजुर्बा है। खराब सा तजुर्बा इसलिए है क्योंकि संत पुरुष ये मानते हैं, महान व्यक्ति ये मानते हैं कि मैंने जो सिखाया है उसको सारे चेले सीख गए होंगे और वैसा ही करेंगे, पर उसके कुछ गुण वो नहीं ले पाते। जो एक गुण होता है विजन वाला, यानी कि दूरदृष्टि वाला, समझ वाला, वो गुण का अभाव होने से वो चेले चेले ही रह जाते हैं, चीनी नहीं बन पाते। क्योंकि जो व्यक्ति विजन देखता है, आगे तक देखता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई सारे चेले अगर उसी टेक्निक को अपनाएंगे जो टेक्निक उनके गुरु ने अपनाई थी तो परिणाम तो एक आना है, तो सब लोगों का एक परिणाम कैसे आ सकता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे उनके 50 चेले हैं उत्तर प्रदेश में, और 50 के 50 चेलों ने ये सोचा कि हम मान्यवर साहब काशीराम की तरह संगठन बनाएंगे, कैडर चलाएंगे, जगह जगह घूमेंगे, यूनिट बनाएंगे, दफ्तर बनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के। अरे भाई 50 थोड़े मुख्यमंत्री बनेंगे, अरे इतना विजन तो रखो, इतनी सोच तो रखो। तुम अगर 50 चेले हो तो जो काम है वो 50 गुना बढ़ना चाहिए था, मगर तुम तो आपस में ही तलवारें खींच के एक दूसरे को काट पीट रहे हो, तुम तो 50 के 50 खत्म हो जाओगे, एक भी नहीं बनेगा तुम में से मुख्यमंत्री। तो उस व्यक्ति का विजन तो समझो। ऐसा तो हो सकता है कि 50 अलग अलग व्यक्ति काम करें और 50 स्टेटों में मुख्यमंत्री बन जाए, तो अलग अलग स्टेट में जाना पड़ेगा, मगर एक ही स्टेट के अंदर उनके 50 चेले अगर अपनी अपनी तलवार निकाल लें कि अब हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं और हम फतेह करेंगे, तो भाई अपनी वोटों को तुम 50 जगह काट लोगे, तो तुमने क्या सीखा अपने गुरु से, तुम तो अपने गुरु की बेइज्जती और कर रहे हो। क्योंकि गुरु ने तुमको ये समझ के ये नहीं कहा कि एक रहना, क्योंकि गुरु ये मानता है कि तुम इतने समझदार तो हो कि तुम्हें ये पता है कि संगठित रहना है तो एक जगह रहना है। गुरु को ये थोड़ी पता था कि तुम 50 टुकड़ों में बढ़ जाओगे, अलग अलग बिस्तर बनाओगे, अलग अलग दफ्तर बनाओगे, अलग अलग लोगों को सिखाओगे, अलग अलग लोगों को भक्त बनाओगे, उनको अपना चेला बना के और उनको कहोगे खबरदार जो किसी दूसरे संगठन में गया वो आदमी बड़ा नालायक है, हम उसे साहब कासीराम जी के समय से जानते हैं, वो संगठन में बड़ा नामकम्मा था, तुम तो अपने लोगों की बुराई कर रहे हो और लोगों को दूसरों से मिलने से रोक रहे हो। तो ये जो महापुरुष के साथ में होता है बाद में ये दिक्कतें, अब भारत के अंदर कुछ स्टेटों में खास तौर से जहां कासीराम जी के मान्यवर कासीराम जी के चेले हैं और चेले बनते जा रहे हैं, वो ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे तुम सारे भी इकट्ठे हो जाओगे तो भी 14% हो, और 14% में तो एक कांस्टेंट नहीं बनता, तो मुख्यमंत्री बात तो सपनों में ढूंढना, अभी तो 50% से ऊपर जिसका वोट हो और वो भी पक्का वो मुख्यमंत्री बनने की सोच सकता है। तो तुम 14% सारे इकट्ठे नहीं हो, 14% में तुम इतने सारे चेले आ गए,
उसके बाद तुम मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हो, काम कोई सा जानता नहीं है। अरे गुरु ने जो काम जहां छोड़ा है अब टेक्निक बदल गई है, आपने दूसरी टेक्निक लेनी है। साहब काशीराम जी के जमाने में मोबाइल नेट इंटरनेट और डिजिटल मीडिया नहीं होता था, उस समय ऐसी मारामारी नहीं थी जैसी अब है। अभी तो लोग अपनी आधी शक्ति प्रचार में लगाते हैं और आधी शक्ति काम में लगाते हैं, उस समय प्रचार का तंत्र इतना नहीं था। अभी तो एक मिनट में एक बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है, अभी पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, पहले पैसे इतने खर्च नहीं होते थे। अभी लोगों की आमदनी कम है, पहले सरकारी कर्मचारियों की ज्यादा थी, पहले लगभग के आसपास सरकारी कर्मचारी दुनिया भर में होता था, कुछ अंश उसका SC ST के हिसाब से भारत में होता था जो आपके काम आता था। तो वो सारे सारे कर्मचारी जितने भी हैं वो कर्मचारी ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, और जिनके पास हैं भी तो वो कहाँ कहाँ दें, किस किस को दें, 50 चले 50 के 50 मांगने आएंगे तो देंगे किसको, ये बड़ी समस्या है। और परिणाम कुछ आना नहीं, तो तुम्हें इतनी तो कला आनी चाहिए कि अरे भाई गुरु से सीखा क्या तुमने, किस तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आ सकता, तुम तो टुकड़ों में बटे हुए लोग हो, तुमने अपने गुरु से संगठित होने का मंत्र सीखा ही नहीं, तुम अपने गुरु के सबसे निकम्मे और नालायक चेले हो, इस बात को मान लो। क्योंकि जो अलग संगठन बनाता है वो निकम्मा और नालायक चेला होता है, अच्छा चेला वो होता है जो बहुत तेजी से सबको इकट्ठा करे और एक अपने गुरु से भी बड़ा कार्यक्रम करे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्मं शरणं गच्छामि।
ਦੇਸ ਨਿਛਦਾਰਾ ਵੀਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾਪ ਦਿੰਗ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਾਮੇ ਸੁਮਿਛ ਚਰਵਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾਪ ਦਿੰਗ ਸਮਾਧੀਆਂ